ओम शांति। व्यक्त मुरली क्लब में सुबह के सत्र में बाबा के सभी साक्षात्कार मुहूर्त महादानी वरदानी आत्माओं का स्वागत है। आज 31 जनवरी 1977 की मुरली है, और जैसे कि मुरली का टाइटल है, भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। तो जैसे कि टाइटल है, वैसे ही बाबा ने इसमें बताया कि भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। और इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का आज अर्थ भी बताया बाबा ने इस मुरली में, कि संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। बाबा ने कहा कि बाप की तरह बच्चों को भी इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होना है, और उसके लिए जितना जितना संकल्प बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, तब हमारा लाइट का ताज भी क्राउन भी उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। बाबा चाह रहे हैं इस मुरली में कि अब बच्चे देवता बने ना कि लेवता। इच्छा अपने प्रति नहीं, अन्य आत्माओं की हम इच्छा पूर्ण करनी है तो इच्छा मात्र अविद्या हमें बनना है। और बाबा ने इसमें बताया कि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना होनी चाहिए। भक्तों की भावना को पहचानना है और भक्तों को अभी निमित्त बन के शांति और शक्तियों का दान करना है। तो आगे विस्तार से सुनते हैं मुरली कि बाबा ने आज हमारे को कितने टाइटल दिए, कितने टाइटलों से नवाजा, और उसका अनुभव करते हुए मुरली को सुनेंगे कि दुनिया भगवान को याद करती ढूंढ रही है और वो हमें इतना प्यार कर रहा है, हम पर वरदान लुटा रहा है। शांति। 31 जनवरी 1977 की मुरली है, और मुरली का टाइटल है भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मूरत सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा अपने भाग्य की गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले महादानी वरदानी आत्माओं प्रति बाबा बोले, अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हो। जब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम अपने आप को चेक भी कर सकते हैं और नशा भी चढ़ा सकते हैं। अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हो, अपने प्योरिटी की पर्सनैलिटी को जानते हो, अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी को बाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो, एक सेकेंड अनुभव भी कर सकते हैं। इस पुरानी दुनिया में अलग काल के हद की पढ़ाई और हद के पोजीशन की अथॉरिटी समझते हैं, उनके आगे आप सभी की ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की और अविनाशी है। बाबा कह रहे हैं कुछ कोई प्राप्ति करता है यहाँ लौकिक जीवन में भी, उसकी भी एक अथॉरिटी होती है और नशा होता है, तो हम उनके आगे वो तो फिर भी हद की होती है और विनाशी होती है, और ये हमारी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो बेहद की और अविनाशी है। तो ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो, कर्म में भी नशा रहता है। बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है, बेहद की मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है। अपने खुशी के खजाने को जानते हो ना, बाबा पूछ रहे हैं कि बेहद के मालिकपन में बेहद की खुशी है, तो इस खुशी के खजाने को जानते हो। बाप बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखते हुए हर्षित होते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है। अनुभव करें अपने आप को ना बाबा, हमारे भाग्य की रेखाएं देखकर हर्षित हो रहे हैं, क्या हम हर्षित हो रहे हैं अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को देखकर कि श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले हम कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाप बच्चों को देख ज्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग्य को देख ज्यादा हर्षित होते हैं?
कौन ज्यादा अर्चित होते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। तो आप अब ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। आज भी लास्ट तक भी बाबा कह रहे कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो आप जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का 1 सेकंड दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं, इतना दर्शन के लिए लाइनों में लगते हैं। तो बाबा कह रहे ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है उसको जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है उसको जानते हो? भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है इसको जानते हो ना? भक्तों की सर्व प्राप्ति करने का आधार है भक्तों की भावना है। पहले भावना को समझने को क्या चाहते हैं। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है आपकी इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति। किसी की भी किसी को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है भक्तों को भी चाहे किसी को भी आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब आप स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। बाबा कहते हैं आपकी ये स्थिति हो गई तो जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो तो तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। ये अंडरलाइन करना है कि जब तक हमारी इच्छाएं हैं तो हम किसी की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार बाबा इच्छा मात्र में विद्या कहते हैं लेकिन आज बाबा ने उसका अर्थ समझाया ना कि बाबा के तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं जब हम इच्छा मात्र में विद्या हो जाएंगे। इच्छा मात्र में विद्या अंडरलाइन करेंगे इसको अर्थ को। इच्छा मात्र अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। बीज में ही पानी डालते हैं ना तो पत्तों को चला जाता है। तो बाबा कह रहे जब तक हम मास्टर बीज रूप नहीं बनते बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं मुरझा गए हैं उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जब हम बीज रूप स्थिति में होंगे संपन्न हो जाएंगे तो फिर संपन्नता का अनुभव करेंगे और सभी को फिर हम बाबा कह रहे हैं सूखे हुए सूख गए हैं जो आत्माएं ना मुरझा गई हैं तो बाबा कह रहे हैं उन्हें अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यू लग जाती है वैसे आपके चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यू अनुभव होती है। क्या अभी तक भी भक्तों के पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? बाबा कह रहे अभी तक आवाज ही आ रही है या सुन ही रहे हो कि बाबा कह रहे उनको अनुभव भी करा रहे हो। बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है बाबा को। तो बाबा पूछ रहे हैं आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दें और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दें? अब तक भी बाबा कह रहे हैं कि भी बाप दादा ही करें क्या ऐसे सोचते हो? लेकिन ड्रामा के नाम बच्चों पर है। ड्रामा में नाम बच्चों का है काम बाप का है तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेंगे? बाबा यदि हमें सोचें कि बाबा कराएगा तो बाबा कह रहे हैं नाम तो बच्चों का है काम बाप का है तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। और विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेंगे? तो प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी? बाबा पूछ रहे हैं। तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है उनके ही फिर बाद में भक्त बनते हैं। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। जैसे कि बाबा ने कल के व्यक्त मुरली का वरदान दिया था ना कि इस समय की आपकी जो कर्म है जो भी आपने प्रसाद किया वो अब तक भी हमारे सारे नयन
जैन सबको शांति सुख दे रहे हैं ना, दर्शन दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं वही अपने आपका पुरुषार्थ ही आपकी प्रजा भी बनाएगा और आपके भक्त भी बनाएगा। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, वैसे आप इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो। बाबा कह रहे हैं देवता व देवी अर्थात देने वाले, देवता अर्थ वह देवी अर्थात देने वाले, तो विधाता के बच्चे विधाता बनो। देव तुम भी उनके विधि विधान करो बनाओ जैसे बाबा बनाता है। तो अपने लाइट का क्राउन दिखाई देता है, तो अपनी निशानी देखो यहाँ की कि अपने लाइट का क्राउन दिखाई देता है। रतन जड़ित ताज, इस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। जितना जितना संकल्प बोल और कर्म में प्योटी को धारण करते जाएंगे। अब लाइट के ताज को कैसे हम इस समय धारण कर सकते हैं, तो उसके लिए बाबा कह रहे कि जितना जितना यहाँ संकल्प बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों के नंबर वार क्राउन देखते हैं। जैसे भविष्य में राज्य के तख्त ताज भी नंबर वार होंगे, वैसे यहाँ भी नंबर वार है। तो अपने नंबर जानते हो, छोटा ताज है ये बड़ा ताज, ताज है तो सभी के ऊपर। बाबा कह रहे हैं सभी को दिया ताज तो कौन सा, कि जब से बाप के बच्चे बने पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो रिटर्न में ताज प्राप्त हो ही जाता है। बाबा ने जैसे बच्चे बने तो बाबा ने रिटर्न गिफ्ट भी दिया कि पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो रिटर्न में ताज प्राप्त हो ही जाता है। सुनाया था ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हैं, ऐसे अपने भाग्य के सितारे को चमकते हुए दिखाए सितारे को देखते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि भी जिसमें ताज भी हो, तख्त भी हो और तिलक भी हो, तो अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। आज बाबा ने गुण संपन्न बनने का सहज तरीका बताया। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्न से पार और प्रश्न चित रहो। जब तक खुद के प्रति कोई ना कोई प्रश्न है कैसे करें क्या करें, तब तक दूसरे को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। समझा, दूसरों को प्रसन्न करने का तरीका बताया बाबा ने। अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज्यादा सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो लेकिन देना सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति न रखो लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अब कह रहे हैं अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। दो तरीके बताए संपन्न बनने के, बाबा के एक भाग अपने भाग्य और बाबा के भाग्य के, बाबा के गुण गाते रहो और अन्य आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करो तो बाबा के स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मुहूर्त सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में स्थित प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले, महादानी सर्व वरदानों से संपन्न वरदानी, ऐसे महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें साक्षात्कार मुहूर्त सभी की कामनाओं को संपन्न बना करने वाले बनाने वाले, प्योरिटी की पर्सनैलिटी देने वाले, हमारे हमें दाता बनाने वाले बाबा का
बहुत शुक्रिया, नमस्ते, शुक्रिया, ओम शांति। अभी एक सेकंड साइलेंस में रहेंगे, फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ममता सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन में। सभी लोग अपना हैंड रेस करें, मनन चिंतन। जी भाई, हाँ जी, अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं सभी। ओम शांति दीदी, ओम शांति टू ओम एवरीवन। शांति। हवा कहती है, ड्रामा में नाम बच्चों का है, विश्व का मालिक बाप नहीं बनते, तो अपनी भक्तों व प्रजा को निमित्त बन शांति और शक्ति का दान देना हमारा काम है। जो बाबा ने कहा है, लेना नहीं देने वाली बनो, अन्य आत्माओं की इच्छाओं को पूर्ण करो, जो साक्षात मूरत बन जाएंगे। ओम शांति। जी दीदी, हमेशा ही बाबा तो दाता ही बनाना चाहता है कि भी अब बच्चे लेता ना बने, देने वाले बने, क्योंकि जब तक हमारी ही इच्छाएं होंगी, हम ही लेने में रहेंगे। जी बोल सकते हैं। ओम शांति। मैं बोलूं सिस्टर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हम शांति बोल हाँ, सकते बाबा हैं। ने जो आज की मुरली का टाइटल भक्तों को सर्व प्राप्ति करने का इच्छा का करने कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। मतलब कोई भी इच्छा ना हो, जब तक ये स्थिति हमारी नहीं होगी तब तक अपने भक्तों को कुछ प्राप्ति नहीं करा सकते। तो बाबा इस पे डिटेल्स बता रहे हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या रखना है। जब इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगी तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो इसकी बाबा ने मेथड मेथड बताया कि इसकी मेथड क्या है कि संपूर्ण इच्छा मात्रम अविद्या मतलब संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति में टिकना है। पहले बीज रूप स्थिति में, जब मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे तभी अपने भक्तों को उनकी इच्छाओं की प्राप्ति करा सकते हैं। तो सबसे पहले बीज रूप स्थिति में होना है और अपने को इच्छा मात्र अविद्या करना है। ओम शांति। हाँ जी, सबसे पहला आज ये तरीका बताया बाबा ने कि सबसे इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब ही है कि संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब हम बाबा की स्टेज पे होंगे, बाप समान मास्टर स्टेज में रहेंगे, तभी हम औरों की समझ सकते हैं कि वो चाहता क्या है, इच्छाएं क्या है उसकी। तब हम उसकी भावना को भी जानेंगे, तब हम दे सकते हैं उसको। हाँ जी दीदी, नमिता दीदी जी बोल सकते हो आप। निमिता बहन बोल सकते हैं। हाँ हाँ ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि हमारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है। तो हाँ जी। हाँ, तो पहले भक्तों को भावना को समझना है, भक्त क्या चाहता है, भक्तों को भावना को पहले समझना है। उसके बाद हाँ, तो बाबा ने बोला कि तो इसके लिए शक्तिशाली, हमको शक्तिशाली बीज रूप स्थिति बनना है।
हम खुद शक्तिशाली बीज रूप स्थिति में रहेंगे तो भक्तों को भावना को समझ पाएंगे। तो शक्तिशाली बीज रूप स्थिति के लिए हमारा बोल, संकल्प, बोल और कर्मों में प्योरिटी को धारण करना है। तो हमारा लाइट का क्राउन भी दिखाई देगी और हम मास्टर बीज रूप स्थिति में रह पाएंगे। तो बाबा ने कहा इसके लिए हमको क्या करना है कि अपने इच्छाएं, बाबा ने बोला अपने इच्छाएं प्रति कंट्रोल रखना है, अन्य दूसरों आत्माओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सोचो। खुद को इच्छा प्रति कंट्रोल करना है और दूसरों को इच्छा को समझना है भी, सोचना है भी, जो दूसरा आत्मा क्या चाहते हैं। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखना है। तो बाबा ने बोला कि तो इसके लिए बाबा ने आज इच्छा मात्रम अविद्या के धारण करने, इच्छा मात्रम अविद्या के स्थिति में रहने के लिए बोला। और फिर बाबा ने बोला प्रश्न से परे और प्रश्नचित रहना भी है। जब तक हम खुद प्रश्न में रहेंगे तो दूसरों को प्रश्नचित भी नहीं कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी दीदी, जब लाइट का क्राउन तो तभी दिखाई देगा ना जब हम खुश हाँ होंगे, प्रश्नचित खुश होके, हाँ अपने प्रश्नचित रहेंगे प्रश्नों को तो पार होंगे, खुश होंगे, हाँ तभी दिखेगा। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी हाँ जी, हाँ हाँ जी सर, कौन है? ओम सवित्री, शांति दीदी। हाँ जी सवित्री वर्मा दीदी जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ तो जी। बाबा ने आज शुरू में वो बताया कि सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले महादानी वरदानी आत्माओं प्रति बाबा बोले। तो बाबा यहाँ किसको देख रहे हैं? महादानी और वरदानी और दाता, मतलब दान देने वाले। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि महादानी कौन बन सकता है, वरदानी कौन बन सकता है और दानी कौन बन सकता है। तो अगर हम वरदानी देखें कि वरदान जो बाबा ने हमें वरदानी आत्माएं बनाई है, मतलब स्वयं का जो हमारा खजाना है उसे हमें पहले स्वयं को ही देखना है। तो यहाँ पर हमें स्वयं की शक्ति, स्वयं का गुण, स्वयं का ज्ञान या निर्बल आत्माओं को जो हम वरदान देंगे किस तरह देंगे, कौन सी शक्ति से देंगे, तो ये खजाना पहले हमें इकट्ठा करना है। जब हम अपना सहयोग करके बाबा के खजानों द्वारा उस शक्ति को लेंगे तो उन कमजोर आत्माओं को भी हम शक्ति दे सकते हैं। तो जैसे बाबा ने बोला महादानी कौन होगा, तो महादानी पुरुषार्थ करने वाले जो बाबा ने हमने युक्तियां बताई है, तो हमें उस युक्तियों द्वारा उमंग उत्साह में आकर के कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ करने के निमित्त बनाते हैं। तो निमित्त कैसे बनाते हैं? जब हम स्मृति बाबा ने दिलाई और समृद्धि मतलब समर्थि से ही हमें उस निमित्त बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी शक्तियां जो बाबा द्वारा दी गई है उसे हमने जमा करके उसे वेस्टेज नहीं करना है, और उस शक्तियों द्वारा ही हम दूसरे का मार्गदर्शन भी करवा सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा जैसे दानी बच्चे होते हैं, तो पहले हमें रियलाइजेशन करना है कि हमें बाबा ने कौन कौन से मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि जब तक हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता तब तक हम लिबरेटर नहीं बन सकते। तो बाबा द्वारा ये जो हमें दानी महादानी आत्माओं प्रति जो बाबा बोलते हैं कि तुम ही वो मेरे बच्चे हो, तो यहाँ पर हमें ज्यादा मतलब जैसे बाबा बोलते हैं कि हजार बच्चों को हर्षित देखते हैं, तो हर्षित का मतलब ये है कि हम सदा जैसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माएं जो बाबा हमें बनाते हैं हर कर्म और चरित्र में हमें उसे लाना है, और हर चरित्र की अभी तक जो भी पूजा होती है उस पूजा द्वारा हमें भक्त को भी दर्शनीय मुहूर्त, अपना दर्शनीय मुहूर्त दिखा करके हर सेकंड हर क्षण हर भक्तों की तड़प, जैसे बाबा ने बोला तड़प अनुभव जब हम करते हैं, तो उन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कल्याणकारी और शुभ भावना रखनी। ठीक जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। अन्ना बहन जी आप भी बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं ड्रामा में नाम बच्चों का, काम बाप का है, तो बच्चों ने पवित्र रहना ही चाहिए, तो प्योरिटी का ताज धारण करना चाहिए, द रत्न जड़ित ताज, इस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। तो बाबा ने क्या कहा, तो पास जो भाव भक्तों का होता है
तो वो भी प्योरिटी का ताज धारण करते हैं। तो इतना विशेषता है 5 स्वरूपों में, मुझे चक्र में पूर्ण पूर्ण चक्र भी होता है ना, फरिश्ता स्वरूप लोग, जब लक्ष्मी नारायण स्वरूप प्योरिटी का ताज हो, विष्णु का स्वरूप, तो प्योरिटी का ताज का कितना महत्व है, कितना आगे ये रत्नजटित ताज के आगे। तो भगवान ने कहा ही विशेषता, तो और भी कोई विशेषता है तो बोल सकते हैं। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। जी दीदी, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई सुनाना चाहेगा? ओम शांति हाँ जी दीदी। जी। बाबा ने आज है ना इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए कहा है ना, इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए एक तो बीज रूप स्थिति, दूसरा बाबा ने कहा ना सर्व भाग्य हमें जो मिला है बाबा से उसका गुणगान करो, उससे हम इच्छा मात्र अविद्या बनते हैं। तीसरा पवित्रता है ना, हर बात में पवित्रता को धारण करना है। दूसरी बात में हम कहे पवित्र, संपूर्ण पवित्र बनना ही इच्छा मात्र में अविद्या स्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट बाबा ने कहा है सर्व प्राप्ति स्वरूप है ना, हम 2 दिन पहले साकार मुरली में हमने सुना था सर्व प्राप्ति स्वरूप कैसे बनेंगे, चारों सब्जेक्ट से है ना हमें खजाना मिलता है, ज्ञान से हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं, योग से सर्वशक्तियों से संपन्न बनते हैं, धारणा से सर्वगुण हमें मिलता है और सेवा से खुशी मिलती है ना, ये सारा खजाना से हम सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप होते हैं। सो इस स्वरूप से हम दे सकते हैं। और चौथा बाबा ने कहा हम कौन है, दाता का बच्चा, हमारा कर्म ही क्या है, देना है ना, सो देना है हमें। सो ये चार बातें रहेंगे तो हम इच्छा मात्र हम अविद्या बन सकते हैं, सो नहीं तो मुश्किल है। तो ये बातें बाबा ने कहा आज के मुरली में। शांति। और हाँ कोई भी जी, आपका मनन चिंतन है इच्छा मात्र अविद्या कैसे बने, सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर ओम जी दीदी। शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो जैसे बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो, तो बीच में हम देखते हैं कि सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। तो जब हम परम धाम में टिकते हैं तो बाबा कहते हैं वहां पे निराकार परमात्मा बीज रूप स्थिति, क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा से जुड़ी हुई हैं। परम धाम में बिल्कुल बिंदु स्वरूप है, तो हम जब परमात्मा से वहाँ बिंदु स्वरूप स्थिति बीज रूप में जुड़ते हैं और परमात्मा से हमें सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं, कि जितनी प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुख का सागर है, तो हमें ऑटोमेटिक जब जुड़ते हैं तो सर्व प्राप्तियां होने लगती हैं। तो वो फिर नीचे जो आत्माओं का झाड़ है ऑटोमेटिक सब में फैलती हैं, तो आत्माओं को प्राप्ति होती है। तो जब हम यहाँ स्थूल रूप में जब कार्य करते हैं, देह भान में आते हैं, तो फिर हमें नाम मान शान की प्राप्तियों की फिर इच्छा होने लगती है, कि ठीक है रॉयल रूप में फिर वो मांगना होने लगता है, कि चाहना है थोड़ा सा अगर नाम हो जाए, हम चाह मांगते नहीं है। तो जो सूक्ष्म रूप में प्राप्तियां होती है, तो बाबा कहते हैं कि आप अगर सूक्ष्म रूप में इच्छाएं हैं तब भी इच्छा मात्र अविद्या नहीं बनोगे। इसलिए बिल्कुल आप आपको कि हमें कुछ प्राप्तियां चाहिए उसकी भी इच्छा ना हो, तो तब आप संपूर्ण शक्तिशाली बनोगे और तभी आप दे सकोगे। क्योंकि हम दाता के बच्चे, विधाता के बच्चे, मास्टर विधाता हैं, हम देवी देवता हैं, अर्थात देने वाले हैं। और बाबा कहते हैं सदा अपने भाग्य के और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, जैसे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, इस तरह गुण गाते रहेंगे तो हम अंदर भी हमें बहुत खुशी रहेगी और वाइब्रेशन भी पॉजिटिव के फैलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहले बाबा ने ऊपर जो टाइटल भी दिया ना, तो बाबा ने साथ साथ पूछा है कि जैसे दो खजाने मैंने दिए हैं संपन्न बनाया, तो जानते हो उसको, जानेंगे तभी तो हम भाग्य और भाग्य विधाता के गीत गा सकते हैं ना। तो अपने अपने भाग्य के कैसे गीत गाते हैं आज, वो भी सभी एक एक दो दो लाइनों में सुनाएंगे।
वैसे तो बहुत गीत है ना बाबा के भाग्य, अपने भाग्य के भी और भाग्य विधाता की भी महिमा बहुत गा सकते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह शायद अभी भी हम भाग्य के गीत गाएंगे तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा ने कहा ना कि भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न बन सकते हैं, और अपने भाग्य की और भाग्य विधाता की तो कैसे गाएंगे। अन्ना बहन जी बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते जिस समय जिस शक्ति का भक्तों का जिस समय जिस शक्ति का दान चाहिए वो जब दान कर सकते तो इच्छा मात्र अविद्या बन सकते हैं। तो जिसको शांति का दान चाहिए तो शांति देना देनी चाहिए, जिसको शक्ति का दान चाहिए शक्ति देनी चाहिए। तो ये बाबा का स्टॉक ये जमा भी करना चाहिए, चारों सब्जेक्ट में ये शक्ति मिलनी चाहिए तो ये दान दे सकते हैं, तो इच्छा मात्र अविद्या बन सकते हैं। ओम शांति। शांति। और भी कोई बोलना चाहेगा? ओम शांति देवी, ओम शांति। आप तो यही गाना गाऊंगी, वाह रे मैं वाह बाबा मेरा, वाह मेरा भाग्य वाह रामा वाह। जी बहुत अच्छा। हाँ जी बीना दीदी जी। ओम शांति दीदी, ओम शांति सभी को। दीदी जैसे कि बाबा ने कहा कि हम दान तो तभी कर सकते हैं ना जब हम भरपूर हों, तो अब हमें ये देखते चेक करते रहना चाहिए कि मान लीजिए हमें कहीं भी अगर थोड़ा भी क्रोध का अंश भी आ रहा है, रूप भी आ रहा है, तो इसके मतलब हमारे अंदर शांति की कमी है, या हमें अगर किसी चीज की इसी तरह हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए और फिर से जाके परम धाम में फिर से इसी तरह बीज रूप में फिर से हमें उसी पे वर्क करना चाहिए। दान तो हम तभी कर सकते हैं ना जब हम पूरा भरपूर हों। ओम शांति। हाँ जी जो है उसको भी देते देते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा वो भी, जो जो आपको लग रहा है कि थोड़ा है अभी थोड़ा और बढ़ना है तो जो जी है जी तो हाँ जी उसको भी देते जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा वो, इस बात जी नहीं जी देने से भी बढ़ता ही है मंजी। तो जी हाँ जी जी वो तो चलो जी टाइम टू टाइम जब हमें मतलब लगता है थोड़ी कमी है तो बाबा ने आज भी कहा ना मुरली में अपने भाग्य के गीत गाते रहो कमजोरियों के नहीं, तो भाग्य के गीत गाते रहेंगे और भाग्य बाबा से ले, बाबा तो हर वक्त देता ही रहता है तो भरते रहेंगे, भरने का भी स्रोत हमें अभी पता चला ही है तो भरते भी जी रहेंगे और देते भी रहेंगे। जी जी बाबा ने तो देखो अपनी ओम तरफ से दे दिए ना, बाबा तो पूछता है ना देखो ऊपर बाबा ने सारे टाइटल दिए कि सबकी कामनाओं को जी संपन्न करने वाले, तो आप बाबा ने जी फिर साथ साथ पूछा आज कि आप उसको जानते हो कि आपको मिला क्या है, संपन्न बने हो कितने खजाने बाबा ने दिए है ना, जी तो बाबा ने तो अपने तरफ से सारे लुटा दिए ना दे दिए हैं। हाँ भंडारे सब भरपूर कर दिए सबकी। हैं। हाँ जी जी अब जी बाबा अब की यही इच्छा है कि बच्चे देवता बने बस जी तो जी देते रहेंगे तो भरता ही रहेगा, देना ही लेना जी तब भी जैसे कभी अनजाने में या वैसे ही हम आ जाते हैं ना लौकिकता में, तो वो चीज हो जाती है कि मैं इसको सुधारने के लिए हम रोप थोड़ा सा कर रहे हैं, तो ये भी तो ना आए दीदी, ये चीज अभी खत्म नहीं हो रही पूरी तरह से। जी नहीं तो बाबा से लेते हैं, बाबा तो देने के लिए बैठा ही है ना जी सबके दीदी करने जी के लिए बैठे हैं। हाँ जी जी है ना, ये ओम विकार से मुक्त होने के लिए है ना बीज रूप स्थिति है, आज बाबा ने कहा ना इम्पोर्टेंट है, हम में ये प्रैक्टिस करना है। सो लंबे तक परमधाम में हम रहेंगे तो हमारा जो भी विकार है ना वो समाप्त हो जाएंगे, बीज से हम कनेक्ट होने से सारा शक्ति मिल जाएंगी है ना। सो बीज रूप स्थिति वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट है, उससे हमारा जो भी विकार में उसको भी भस्म कर सकते हैं, विकार भी जो बचे हुए है ना समय प्रति समय वो हमारे अंदर आ जाता है उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए और एक बात हम याद रखें, हम पूर्वज भी है ना, पूर्वज की काम ही है जी देने का पालन करने का। सो ये बातें हम सदा याद में रहे ना तब हम दूसरों को दे सकते हैं। सो हमारे अंदर सभी के प्रति एक्सेप्टेंस भावना होना चाहिए, सभी हमारे हैं अपनापन होना चाहिए तब हम दे सकते हैं। ये है ना हमारा वो बाप हमेशा बताते हैं ना शुभ भावना शुभ कामना ये रखना है हमें।
तब आएगा जब हम सभी एक है, एक्सेप्टेंस होने से हो अच्छा एक है, ऐसे हम समझते हैं जी। बिना पवित्रता, बिना विकार से मुक्त हम दे नहीं सकते ना। तो हमेशा हम क्या है ना, हम ऐसे ना समझे हम अभी देवता बन गए, हम संपूर्ण पवित्र बन गए, नहीं है ना। जब हमारा स्थिति ऊंच होता है ना, तब हम देते रहेंगे। वही तो बरते रहे, जैसे बाबा ने कहा भाग्य का गीत गाओ, मैं कौन मिला है, हमारा भाग्य क्या है ना। सारे जगत परमात्मा को ढूंढ रहे, लेकिन हमें मिला है, उन्होंने हमें अथॉरिटी दी है देने का, और किसी का पास ये अथॉरिटी नहीं है। ये बात स्वीति स्वीति दीदी जी, आपका माइक खुला है, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ जी। नहीं, जैसे दीदी ने बोला कि अभी के भाग्य भी दाता मिला और भाग्य मिला, तो हम हमें ये भी रखना है कि जब हम, बाबा ने बोला कि जैसे गुण गुण गाओ, कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, तो हमें यहाँ पर सागर के बच्चे, हम सागर के किनारे बैठते, देखो सुबह हमारी जो मुरली व्यक्त वाणी चलती है, तो यहाँ पर हम जब किनारे में बैठ जाते हैं बीज रूप स्थिति में, तो यहाँ पर हमें क्या है पाना है, या इच्छा बनी हुई है यहाँ भी हमारी, लेकिन यहाँ हमें यही संकल्प लेना है, पाना थो सो पा लिया। अगर हम इसको अनुभव करते हैं तो हमारी जिज्ञासा भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम तो अधिकारीपन अधिकारी है, बाबा ने हमें अधिकार दिया है, तो बस हमें यही रखना है कि निश्चित होकर बीज रूप संगठन में बीज रूप को रियलाइजेशन करके भाग्य विधाता के साथ बैठ करके यही गुणगान करना है, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। ओम शांति। ओम जी शांति। धन्यवाद। आज 5 मिनट कर सकते हैं आप योग बीज रूप स्थिति का संगठन में। ओम जी दीदी, शांति। जैसे बाबा ने आज बोला ना गीत गाओ, तो मेरे को आपने बोला रही थी गीत शेयर करें, तो एक गीत मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाबा बोलते हैं, तुम आने वाले सतयुग की महारानी हो, कर दो कल्याण तुम वरदानी हो। तो ये गीत मैं बार बार सुनने की प्रयास करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जी भाई जी। और बाकी सब भी अपने भाग्य के गीत गा सकते हैं आज, एक एक लाइन में, ज्यादा नहीं, कैसे गाते हैं और कैसे गा सकते हैं। ओढ़ ली चुनरिया ओ दुनिया से नहीं डरूंगी, ओढ़ जी बहुत ली बढ़िया। चुनरिया तेरे नाम की, ओ दुनिया से अब ना डरूं, शिवा वा से प्यार करूं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है बहुत। और कोई कैसे गाता है भाग्य के गीत? जी देखिए, मीनू सिस्टर का हैंड रेस है, उन्होंने बताने देना। ठीक मीनू है, मीनू सिस्टर बहन जी बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना संपन्न स्वरूप, तो थोड़ा उस पे मनन चिंतन चल रहा था। अच्छा, मातृ विद्या पे जब बोल रहे थे, तो संपन्नता जब हम लौकिक में भी देखते हैं, अगर कोई संपन्न है तो संपन्नता है क्या? अगर सिर्फ धन से संपन्न है, जन से नहीं, तो उसको संपन्न नहीं कहेंगे। संपन्न मतलब जो सर्व प्रकार से संपन्न हो। तो बाबा हमें क्या चाहते हैं कि हम सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाए, मतलब इतना कि जब कभी कोई क्राइसिस आए, तो जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो संपन्न होते हैं उनको लेने की इच्छा नहीं होती, वो सोचते हैं हम कैसे दूसरों की हेल्प करें। तो इतना बाबा चाहता है कि हम इतना भरपूर हो जाएं कि ऑटोमेटिक हमारी जो भक्त पुकार रहे हैं, जो किसी को जरूरत है, जो भी हमारी प्रजा हमसे शक्तियां चाहती है, बाबा ने कहा ना आज आपको संपन्नता अपनी पहचाननी है, तो वो स्थिति हमारी ऑटोमेटिक आएगी जो बाबा हमसे चाहता है कि हम भक्तों की पुकार सुने। और तभी मुझे लगता है कि वो इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्टेज नेचुरल हो जाएगी, क्योंकि जैसे बहन ने कहा था क्रोध आ जाता है, तो छोटी छोटी कहीं सूक्ष्म अंश मात्र इच्छाएं, चाहे वो हम बोलते नहीं है, पर कहीं संकल्प जरा सा भी आए कि ऐसा क्यों, मतलब हमारी इच्छा है, तो बाबा उस लेवल पे हमें संपन्न, बाप समान जो बाबा कहता है, वहां तक पहुंच देखना चाहता है। ओम शांति। जी दीदी बहुत सुंदर।
आज भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कौन सी भावनाएं हम में होनी चाहिए जब हम प्रसन्न कर सकते हैं? कौन सी भावनाएं बताई बाबा ने? बहुत बहुत शुक्रिया, सबने बहुत सुंदर मनन चिंतन किया। जी हम शांति तो अभी कॉल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग फोन लॉक कीजिएगा। उसके बाद दीदी आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग करेंगे। जी भाई जी, हम शांति नंबर और 83 में से 50 लोगों ने पार्टिसिपेट किया पोल में, तो सभी लोग कोशिश करें पार्टिसिपेशन का। जी दीदी अभी आप होमवर्क दीजिए और आगे करें। जी भाई, आज हम यही होमवर्क लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाएंगे। हम ऊंचे से उच्च हस्ती हैं, पवित्रता हमारी पर्सनैलिटी है, इसी नशे में हर कर्म करेंगे और हमेशा ये स्मृति में रखेंगे आज सारा दिन में कि भी श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाली मैं कोटों में कोई आत्मा हूं। इस स्मृति से नशे में रहेंगे और बार बार इष्ट देवी बनकर, जैसे सबके सामने इष्ट देवी हूं मैं, घर में भी हूं और जो भी मेरे सम्मुख आए ऐसे देखें कि अपने आप को मैं इष्ट देवी हूँ और सभी आत्माएं जो मेरे सामने आ रही हैं मैं सबकी इच्छाएं पूर्ण कर रही हूँ और ये वरदान देते जाएंगे। आज सारे दिन में ये अभ्यास करेंगे और अपनी इच्छाएं चेक करेंगे कि हम इच्छा मात्र अविद्या बने हैं, क्योंकि बाबा ने आज कहा ना कि जब तक अपनी इच्छाएं खत्म नहीं की हैं तो दूसरों को कैसे पूर्ण करोगे। तो अपनी भी ये चेकिंग करते जाएंगे सारे दिन में जब हम वरदान देंगे कि अपनी तो अभी कोई इच्छा नहीं रही है ना, ठीक है। तो अभी इसी बीज रूप स्थिति का हम अभ्यास करेंगे, इसमें 5 मिनट टिकेंगे, पर उसके बाद हम मंदिर में अपने ही इष्ट देवी के रूप में अपने ही साक्षात्कार मूर्त चित्र देखेंगे और चैतन्य में जैसे हम सभी को वरदान दे रहे हैं। 1 सेकेंड आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, बिंदु बन उठ चलें बाबा के सामने परम धाम में, बिल्कुल बीज रूप स्थिति में बाबा के सामने, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं और अपने भाग्य के गीत गाएं कि मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा, जिस पर बाबा की नजर पड़ी मैं वो भाग्यवान आत्मा। देखी बाबा में मैं और बाबा, बाबा मैं, बस इस एक ही स्थिति में स्थित हो जाएं।
कंबाइंड हो जाएं बाबा के साथ और इसी कंबाइंड स्वरूप में देखें अपने संपन्न स्वरूप को। बाबा ने भी एकदम भरपूर कर दिया, उनमें भरपूर आत्मा, संपन्न आत्मा। अपने आप को इष्ट देवी के रूप में देखें मंदिर में, सुंदर मूर्ति के रूप में जो चैतन्य दिखाई दे रही है आज, और सामने भक्तों की लाइनें। मेरे नैनों से, मस्तक से सबसे प्रकाश निकल रहा है, सभी भक्तों को जिसे आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं, सब भरपूर हो रहे हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सबकी भावनाएं, जो जो भावना लेकर आए हैं, मनोकामनाएं लेकर आए हैं, सब पूर्ण हो रही हैं। सब एकदम हर्षित, मुझे दर्शनीय मुहूर्त से सभी को दर्शन हो रहे हैं, सभी को भक्ति का फल मिल रहा है, सबकी भक्ति आज संपूर्ण हो रही है। सबको भरपूर करते हुए, सबको प्रसन्न करते हुए, फिर से आ गए हम बाबा के पास परम धाम में। दिल से शुक्रिया किया बाबा का, शुक्रिया मेरे बाबा सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए, निमित्त बन सबको प्रसन्न करने के लिए। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया सेवा देने के लिए। वापिस आ जाए अपने इस देह में, सारा दिन ही इन गुणों से संपन्न रहेंगे और सबको इष्ट देव देवी बनकर वरदानों से भरपूर करते रहेंगे जिससे बाबा ने हमें भरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ओम ओम शांति, ओम शांति, बाबा का शुक्रिया, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शांति, ओम शांति, बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति, ओम शांति, गुड डे स्वीडन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।